हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको पीके इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LS4040 IC का जो ऑडियो सर्किट बोर्ड होता है उसके बारे में दोस्तों, ना कि हम इस ऑडियो सर्किट बोर्ड का ICs के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस बोर्ड के बारे में। देखिए, कई सारे वीडियोज अपने देखे होंगे यूट्यूब में जो इस ICs के बारे में बात करते हैं और इसका वायरिंग करना भी सिखाते हैं। मेरे चैनल में भी वैसा कुछ वीडियोस है, जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस बोर्ड का जो आउटपुट और इनपुट वोल्टेज वाटेज इस सभी के बारे में। ये जो बोर्ड होता है, इसका पावर सप्लाई आप देना चाहोगे तो आपको 12 वोल्ट देना चाहिए, उससे भी ज़्यादा आप 15 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, अगर आप इससे भी ज़्यादा वोल्टेज देते हो तो इसका जो आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट, उसका जो साउंड होगा उसमें थोड़ा सा नॉइज़ या फिर हार्मिंग का प्रॉब्लम आ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप 12 वोल्ट से ज़्यादा इस पर इस्तेमाल नहीं करोगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों, इसका जो पावर सप्लाई है उसका इनपुट कैसे करेंगे। देखिए, इधर हमारा डायोड कुछ लगा हुआ है, इस पर रेक्टिफायर ब्रिज बना हुआ है, ऐसे आप इनपुट कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए दोस्तों, आपको पॉजिटिव पिंस इधर को लगाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पॉजिटिव पिंस आसानी से लगा सकते हो। देखिए जाएगा, और हमारा ये हो जाएगा नेगेटिव पिंस। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये 12 वोल्ट ही इस पर इनपुट होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाएगा, अगर 15 हो जाएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा भी दिक्कत हो सकती है। और अगर आप AC देना चाहते हो तो आपको इधर देना है AC, मतलब अगर कोई ब्रिज रेक्टिफायर बना नहीं हुआ है, ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आप 12 वोल्ट कनेक्शन देना चाहते हो तो आप इधर दोनों पिंस पर दे सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपको बता देती हूँ, इसका जो ऑडियो इनपुट होगा, इधर को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, एक दो तीन, ये तीन पिंस आपको दिख रहा है, ये हमारा 20 का हो जाएगा ग्राउंड के लिए, दोनों साइड के दोनों पिंस हमारा हो जाएगा लेफ्ट और राइट ऑडियो के लिए, मतलब दोनों चैनल के लिए। और दोस्तों देखिए, इधर एक पिंस आपको दिख रहा है ICs के, तीन नंबर पिंस, इधर से आप हम गिनेंगे तो तीन नंबर पिंस हो जाएगा, और जो 5 नंबर पिंस होगा उधर हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा ऑडियो आउटपुट के लिए, मतलब स्पीकर के इन दोनों पिंस हो जाएगा। दोस्तों, इस ICs के बारे में बात करें तो भी हो जाएगा इधर तीन नंबर पिंस और 5 नंबर पिंस। तो दोस्तों, इधर आपका वॉल्यूम कंट्रोल के लिए कुछ बेस ट्रबल और मेन वॉल्यूम के लिए भी पॉइंट्स दिए गए हैं। इधर आप देखें, ये हमारा सेपिंस हो जाएगा ट्रेवल के लिए, और इधर हमारा सेपिंस हो जाएगा बेस के लिए, और इधर हमारा सेपिंस हो जाएगा वॉल्यूम कंट्रोलर के लिए। इस पर जो कैपेसिटर दिया हुआ है, ये पावर कैपेसिटर है, और इसमें आप देख सकते हैं 4700 EF 25 वोल्ट का। देखिए दोस्तों, इधर कैपेसिटर पे 25 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब ये कैपेसिटर 25 वोल्ट तक सहन कर पाएगा, ना कि आप इससे ज़्यादा दोगे तो ये कैपेसिटर फट जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा, यही सब कारण हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस पर 12 वोल्ट से ज़्यादा ना दें, ताकि आपका ICs ठीक ठाक रहे। अगर आप इस पर ज़्यादा वोल्टेज देते हो तो ICs ख़राब होने का कारण बन जाता है। दोस्तों, इस ICs कैसे ख़राब होते हैं उसका वीडियो भी मैंने बना दिया है, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर एक अपडेट आपके पास जल्दी से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।